टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर इलेवन कंस्ट्रक्शन एंड अवर फर्स्ट टॉपिक इज टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशो आप किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी भी गिवन रेशो में डिवाइड कर सकते हैं आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ फाइव सेंटीमीटर इन टू रेशियो थ्री हमें कोई भी लाइन गिवन हो हमें उसे टू रेशियो थ्री जो भी लाइन आपको गिवन है वो ड्रॉ करनी है और उसको टू रेशियो थ्री में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे अपनी लाइन बनाएंगे फाइव सेंटीमीटर की तो हमने फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई ठीक है ये ए बी लाइन जो हमारे पास है वो है फाइव सेंटीमीटर अब हमें इसको टू रेशियो थ्री में डिवाइड करना है तो हम इसके लिए एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे नीचे कोई सा भी आप एक्यूट एंगल बना सकते हो तो इस एक पॉइंट से नीचे हमने एक्यूट एंगल बना लिया अब टू रेशो थ्री में डिवाइड करना है तो टोटल पार्ट्स आपके पास हो गए टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव पाँच पार्ट हो गए तो हम नीचे वाली जो लाइन है उसके फाइव पार्ट्स करेंगे और इसको जो है हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमने इक्वल पार्ट्स लेने हैं ध्यान रखिएगा तो हमने एक ए से एक आर्क लिया पहला ये हमने फर्स्ट फर्स्ट हो गया फिर सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हमने पांच के पांच आर्क बना दिए सेम लास्ट वाले से हमें लास्ट पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है तो लास्ट वाले से जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ पार्ट से हम इस लाइन के एंड को ज्वाइन कर लेंगे ठीक है ये आपका लास्ट पार्ट और ये इसका फिफ्थ पार्ट हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद हमें क्या करना है ज्वाइन करने के बाद हमें टू रेशो थ्री में डिवाइड करना है तो इसका वन टू इसको अगर हम पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पाँच पॉइंट माने तो हमें टू रेशियो थ्री में, में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे पहले के दो पार्ट अलग हो जाएंगे देखिए ये दो पार्ट और वन टू थ्री तीन पार्ट तो हमें ये टू पार्ट से जो फर्स्ट पार्ट है इससे ज्वाइन कर इससे हमें पैरल बनाने इससे हमें एक लाइन पैरल बनाने यहाँ इन दोनों से एक हमें सेकेंड पॉइंट की ज़रूरत है और एक उसके बाद हमें लास्ट पॉइंट की ज़रूरत है क्योंकि थ्री पार्ट्स हो गए अब हम पैरल बनाने के लिए क्या करते हैं हमें पता है क्योंकि कॉरस्पिंग एंगल बराबर होते हैं तो हम इन दोनों पॉइंट से टू से और फाइव से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे आपको क्या करना है फाइव से एक आर्क फाइव वाले से एक आर्क ड्रॉ करना है ठीक है जितना आपने फाइव से ड्रा करा है उतना ही सेम हम टू से ड्रॉ करेंगे दोनों से सेम आर्क अब आप देख रहे हैं एंगल किस में बन रहा है इसमें एंगल बन रहा है ना नीचे वाले में हम इन दोनों इस एंगल को हम मेज़र कर लेंगे इस एंगल को हम मेज़र कर लेंगे कंपास से ठीक है हमने कंपास से यहाँ मेज़र कर लिया और इसको मेज़रमेंट जो आएगी इसकी इस एंगल की सेम यहाँ से ले ली हमने मेज़र कर लिया सही आ रहा है और हमने ये जो हमने हम आर्क बनाया वहाँ पे हम पॉइंट अपना रखेंगे और इस एंगल को हम जो है वो कट करेंगे जिस पॉइंट पे कट हो गया उससे हम सेकेंड पॉइंट को जॉइन कर देंगे जो सेकेंड पॉइंट है हम इसको ज्वाइन कर देंगे ठीक है तो ये लाइन इसके पैरल आ गई ठीक और अगर ये हम रेशो बोलें तो ये ए पी रेशो पी बी जो होगा वो टू रेशो थ्री बन जाएगा तो आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है फाइव की जगह आपको कोई भी सेंटीमीटर बोल सकते हैं और रेशो टू इस टू थ्री था इसकी जगह फाइव इज टू सेवन आ जाए थ्री इज टू फाइव आ जाए आपको टोटल पार्ट्स करने हैं टोटल पार्ट्स के लिए हम नीचे करेंगे जो टोटल पार्ट्स होंगे उतने हमें आर्क लगाने है फिर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यानी टू है टू रेशो थ्री है तो पहले दो पार्ट को अलग कर लेंगे बाकी अपने आप अलग हो जाएंगे उस टू पॉइंट को और जो लास्ट पॉइंट से हमने लाइन ज्वाइन किया है इन दोनों से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे एक फाइव वाले पार्ट से और एक टू वाले पार्ट से एक आर्क लगाएंगे थोड़ा सा छोटा लगाएंगे जो पहला आर्क है उससे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा और उसके बाद इस एंगल को मेजर कर लेंगे हमारा ये जो एंगल बना है ये वाला इसके एंगल को मेज़र करेंगे सेम मेज़रमेंट हम यहाँ से लेकर इसको कट कर देंगे जो कट होगा उससे हम सेकेंड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल आ ला जाएगी और आप देखेंगे ए पी रेशियो पी बी जो होगा टू इस टू थ्री और देखो इसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ ये टू सेंटीमीटर होगा देखिए ए से लेकर पी टू सेंटीमीटर आ गया और इससे लेकर ये जो है थ्री सेंटीमीटर आ गया तो आपको वेरीफाई भी हो गया इसमें वेरीफाई हो गया अदरवाइज आपको ये पता चल गया ये पहला वाला पार्ट टू है दूसरा वाला पार्ट थ्री है गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एक सर्कल पे हम टेंजेंट्स किस तरह से बना सकते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन आपका बोलता है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर आपको एक सर्कल बनाना है सिक्स सेंटीमीटर का फ्रॉम अ पॉइंट टेन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर उसके सेंटर से टेन सेंटीमीटर की दूरी पे कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमें उसकी पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनानी है और उनकी लेंथ को मेज़र करना है तो सबसे पहला काम है कि हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना हो सिक्स सेंटीमीटर तो आप अपने कंपस में सिक्स सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए हमने सिक्स सेंटीमीटर मेज़र कर ली और यहाँ हमने एक सर्कल बना दिया ओके okay? हमने सिक्स सेंटीमीटर मेज़र कर लिया है और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ तो आपने ये सर्कल बनाया ये हमारे पास एक सर्कल बन गया सिक्स सेंटीमीटर का अब हमें इससे सेंटर से टेन से, सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है तो हम सेंटर से टेन सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट ले लेंगे सेंटर है हमने टेन सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली ठीक है सेंटर से दूरी नापनी है हमेशा तो आपने सेंटर से इसका जो दूरी नापी है वो आ गया आपके पास ओ से लेकर पी टेन सेंटीमीटर आप इससे हमें क्या बनानी है टेंजेंट्स बनानी है मैं फिगर को हॉरिजॉन्टली बना रही हूँ तो आपके पास जो ओ पी लाइन आई है ठीक है आप उसका क्या बनाएंगे ओ पी लाइन का हम कर लेंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ओ पी लाइन का हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के लिए कंपास का डिस्टेंस आधे से ज़्यादा होना चाहिए तो हमने आधे से ज़्यादा लिया है एक आर्क हमने ऊपर लगाया है एक आर्क हमने नीचे लगाया लाइन के ठीक है ऐसे ही हमने ओ से एक आर्क ऊपर लगाया और ओ से एक आर्क नीचे लगाया हमने दोनों आर्क लगा दिए अब हमें इसको ज्वाइन करना है तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ये इसकी बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई जिसका सेंटर हम लेंगे एम ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं इसको हम जो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाई का एम आया है, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया इस एम को मिड पॉइंट लेकर और ओ तक हम नाप के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहां से लेकर यहां तक हम पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ये सर्कल आपका ओ और पी दोनों पॉइंट से पास करेगा अब <C2> हमारे पास ये सर्कल जो हमने अभी ड्रॉ कराया है सर्कल ये इन इस जो आपके पास सर्कल है गिवन उसको दो पॉइंट पे टच कर रहा है एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी ये जो अभी हमने लेटेस्ट सर्कल ड्रॉ करा है वो पुराने वाले सर्कल को जिन दो पॉइंट पे टच करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे वो पॉइंट आ जाएंगे हम इन्हें जॉइन कर लेंगे तो ये इसकी टेंजेंट बन गई और ये वाली जो है ये इससे टेंजेंट बन गई तो P पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है उससे एक टेंजेंट पी ए और पी बी बन गई है और अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो आप देखेंगे कि पी ए और पी बी दोनों इक्वल आएंगे और हम इसको मेज़र करके देख लेते हैं तो हमारी मेज़र करके हम देख रहे हैं ये हमारी एट सेंटीमीटर आ रही है ये दोनों बराबर आएंगे एट सेंटीमीटर ओके क्योंकि टेंजेंट जो होती है हमेशा इक्वल होती है अगर हम इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं देखिए ये जो हमने फिगर बनाई इसमें हमने किया सबसे पहले हमने क्या करा एक सर्कल ड्रॉ करा है हमने सिक्स सेंटीमीटर का ये हमने सिक्स सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करा, है। और ये जो यहाँ से लेकर पी तक के डिस्टेंस ली है वो हमने टेन सेंटीमीटर ली है पूरी फिर हमने एक टेंस पूरी डिस्टेंस का क्या बना लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन आई इसका हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाई सेक्टर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बनाने के बाद के लिए पी और ओ का बनाना है पी से एक आर्क ऊपर लगाना है एकार एकार एक आर्क नीचे ओ से एक आर्क ऊपर है ओ से एक आर्क नीचे डिस्टेंस आधे से ज़्यादा होना चाहिए हमें जब ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर इस लाइन को जहाँ कट करेगी वो मिड पॉइंट हो जाएगा यानी वो सेंटर हो जाएगा तो मिड पॉइंट से लेकर ओ तक नाप लीजिए या मिड पॉइंट से लेकर पी तक नाप लीजिए किसी भी एक जगह नाप लिख के हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना है सर्कल ड्रॉ करा सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सर्कल जो अभी हमने ड्रॉ करा है वो मेन सर्कल को जिन दो पॉइंट पे टच कर रहा है वो उस पॉइंट के नाम लिख लीजिए ए और बी और उनको हम पी से ज्वाइन कर लेंगे तो पी और पी बी दो टेंजेंट्स हो जाएंगी जो आपकी जो है इक्वल होंगी हमेशा तो इस तरह से हमें जो है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं